शांति। आज की तारीख है 11/10/14 और आज मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से यदि हमको दिल हटानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े उसके विषय में बताते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। क्योंकि दुख धाम को हम तभी भूलेंगे जब संन्यास करेंगे, दुख धाम से निकलकर नई दुनिया को याद करेंगे। यही है बेहद का संन्यास। प्रश्न है, उन संन्यासियों के संन्यास में और तुम्हारे संन्यास में मुख्य अंतर क्या है? सभी नोट करेंगे। उत्तर है, वे संन्यासी घरबार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घरबार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक है, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम, ध्यान से सुने, गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एज तक मिलेगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। नंबर दो है, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य करके अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है आज का, अलबेलेपन की लहर को विदाई देकर। अलबेलेपन की लहर जो हमारे पुरुषार्थी जीवन में बीच बीच में आ जाती है, तो उसको विदाई देकर सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, क्या ये समझदारी है? बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो लेकिन बाप को देखो। स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।